हेलो गाइस, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। तुहाडा स्वागत है माई यूट्यूब चैनल हरप्रीत सिंह फतेह। तुसीं देख सकते हो अज अं खड़े हैं इत्थे डिगर खाल गुरुद्वारे लागे अपने विखाने, तुहानूं गुरुद्वारा विखाने नाल अपना इत्थे होटल जिथे गड्डियां रुकदियां ने, कंजरां दा होटल कहिंदे आ जिहनूं, उह वी विखाने आ तुहानूं। है नहीं होटल, सिर्फ ना पाया हुआ पुराने टाइम से कहते थे इतने बिठाने। देख सकते हो गुरुद्वारा साहब इतने निशान साहब सामने, गुरुद्वारा साहब बहुत पुराना है। एक टूल आ गया, आ गया अपना होटल वही, वो सामने खड़ी हैं गड्डियां अपनी। गाइस ये खड़ी हैं हमारी दोनों गाड़ियां, देख सकते हो आप। रात को आई थी, अभी हम जा रहे हैं सीमेंट पे, सीमेंट के ऊपर जा रहे हैं। अगर तला का सीमेंट भरेंगे और वहाँ से रबड़ भर के जाएंगे औरंगाबाद, जहाँ पे मिल गई उस साइड में गुजरात वगैरह, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत मंदा पड़ा हुआ है। ये देख सकते हो आप पीछे से भी गाड़ी हमारी, धोएंगे गाड़ी जाके, पहले कल धोई थी लेकिन बारिश ने काम खराब कर दिया सारा, फिर धोनी पड़ेगी। गाइस हम निकले यहाँ से, अभी जा रहे हैं सीमेंट पे। तो ये आपको दिखाया पहले मैंने गुरुद्वारा साहिब, जा रहे हैं हम सीमेंट पे जा रहे हैं, भरेंगे वो अगर चलेगा। देख सकते हो आप रास्ता, ये हमारे सेठ जी हैं, मेरे सेठ जी हैं, हमारे सेठ जी। आ गई पानी वाला टैंकी, बोली आ गई बोली जिसको गाँव में बोलते हैं। देख सकते हो आप कैसा रास्ता है, बहुत खतरनाक। गाड़ियाँ आ रही हैं इधर की, सब ओवरलोड चलती हैं, कोयला भर के 50-50 टन माल लेके जाती हैं। देखो डैम्पर कैसे खड़ा, चढ़ाई में चढ़ नहीं पाते हैं। ये देख सकते हो आप कोले वाली गाड़ी है, कोले वाली कोला भर के आती है, कितना हाइट कोला। देखो ये दो नंबर नंबर में जाता है कोला सारा, यहाँ पे कोई पूछ मांग नहीं है कोले की। तो पहले चलता था कोला यहाँ से गुवाहाटी से, तो बढ़िया काम काज था। अब ये टैक्स वगैरह भरते नहीं है गाड़ियों, फिर गाड़ियों का काम भी कम हो गया। पहले चलता था, अब टैक्स भरना पड़ता है तो भरते नहीं है। ये हमारा भी काम थोड़ा कम पड़ गया, अगर टैक्स वगैरह भरें तो समझो कोला चल पड़ेगा यहाँ से। अभी कोला आता है लंका से आता है, आप देख सकते हो गाइस कितनी लूट मार है यहाँ पे। यहाँ पे गाड़ियाँ लूट लेते हैं, आप जंगल देख रहे होगे, इसी जंगल में गाड़ियाँ लूटते हैं, क्योंकि अभी तो उतराई हम जा रहे हैं खाली गाड़ी। जब उधर से आती है गाड़ी लोड होती है तो चढ़ाई होती है, गाड़ी वाला एक दो नंबर में चढ़ रहा होता है। और यहाँ के बांग्लादेश के जो बंदे बांग्लादेश से आते हैं, यहाँ के तो कम करते हैं, बांग्लादेश से ही आते हैं, साथ में लगता है बांग्लादेश, वहाँ से आके गाड़ी को लूट लेते हैं, गाड़ी को लूट लेते हैं और बंदे की किडनियाँ लीवर वगैरह सब कुछ निकाल के ले जाते हैं। आप देख सकते हो कैसा रोड है ये।
ये देखो भाई कितना माल होगा, 12 चक्का है। ये देखो भाई कैसे आ रही है ओवरलोड गाड़ियाँ, एक नंबर में चलती है, खराब हो गई गाड़ी। और देखो आगे भी आ रही है ओवरलोड, सामने इतना माल डालते हैं गाड़ियों में, ये कम से कम भी 60-70 टन माल होगा, 70 टन माल होगा इसकी गाड़ी के, 16 चक्का है ये, 12 चक्का में 50-60 टन माल डालते हैं। गाइस कितना कूड़ा लोड किया हुआ है गाड़ियों ने, ये देखो कम से कम भी 50-50 टन माल होगा इन गाड़ियों के अंदर, देखो कैसे चढ़ रही है गाड़ी। हेलो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं फैक्ट्री की पार्किंग में, ये देख सकते हो आप पार्किंग कितनी बड़ी यहाँ पे, ये हमारी टाटा की गाड़ी जो आप पूछते हो कहाँ है ये खड़ी है, और ये हमारी दूसरी लीलैंड। तो अभी हम सीमेंट भरेंगे अगरतला के लिए, ड्यू कटवा चुके हैं, ये हमारे टाटा के ड्राइवर साहब, ये देखिए ये बब्बू मान बने हुए हैं, बहुत बड़ी फैक्ट्री है ये फैक्ट्री वालों की गाड़ी है 16 चक्का स्टार वालों की, बहुत गाड़ी हैं इनकी अपनी भी, देख सकते हो आप गाड़ियों का काम करवाना, इसका काम करवाना थोड़ा, इसका स्टीयरिंग बक्सा लीक कर रहा है दोबारा से, वो करवाया था एक बार रिपेयर करवाया था, पंप भी नया डलवाया था लेकिन नहीं वो सेट नहीं बैठा, तो चक्का भी ये लीक कर रहा है इसका, तिरपाल पालो बच्चे थले ना तिरपाल पालो, इसका चक्का भी लीक कर रहा है, वो भी खुलवाएँगे जाके अगरतला में खुलवाएँगे, और साथ में इसकी सर्विस वगैरह है 6 महीने वाली और 40 घंटे 40,000 रुपये होती है जो वो खोला बारी, इसका फर्श भी मिलाना हमने, फर्श भी इसका मार झाड़ू मारना इस गंदा बड़ा दे झाड़ू मारे तो उपर तरपाल सुट लै है नहीं है, माड़ा मोटा कर ला झाड़ू के मारना, माड़ा मोटा कर ला जरा पेदा ना गंद पे जो माड़ा मोटा कर ला आलू शालू। अंदर से हमारी दिखाई थी आपको पहले की गाड़ी टाटा की। हेलो गाइस, हम आ गए यहाँ पे लोड करने के लिए, तो आपको दिखाते हैं एक नई चीज़ जो लोड करती है गाड़ी, वो भी दिखाएंगे आपको, ये अंदर वहाँ सामने पे लोड होती है, इस साइड में कांटा होता है, कांटा होकर बाहर निकलती है गाड़ी यहाँ पे, अभी गाड़ियाँ घुसती कितनी, एक गाड़ी घुसी हमारी अंदर। गाइस हम आ गए फैक्ट्री के अंदर यहाँ पे लोड होगा सीमेंट, वो भी दिखाएंगे कैसे लोडिंग होती है, वो आप देखोगे तो बोलोगे यार बहुत अच्छी तरह से लोडिंग होती है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। हेलो गाइस, हम आ गए यहाँ पे लोड करने के लिए, तो आपको दिखाते हैं एक नई चीज़ जो लोड करती है गाड़ी, वो भी दिखाएंगे आपको, ये अंदर वहाँ सामने पे लोड होती है, इस साइड में कांटा होता है, कांटा होकर बाहर निकलती है गाड़ी यहाँ पे, अभी गाड़ियाँ घुसती कितनी, एक गाड़ी घुसी हमारी अंदर, देख सकते हो गाइस कैसे लोडिंग हो रही है यहाँ पे, आगे बहुत मिट्टी है गाइस बाहर नहीं जाएंगे कट्टा बहुत ना भरावा, अगे बड़ी हो सीमेंट उड़ा बड़ा उड़े करता सीमेंट सारा, इधर गया आ जा भरावा भरावा तू सारिया गुत्थियां लगा ला हूं जा रहे हैं, गाड़ी लोड हो रही है, कैसे लोड करते हैं, ये देखो 15 से 20 मिनट लगाते हैं गाड़ी लोड करने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, 15 से 20 मिनट में गाड़ी निकाल देते हैं लोड करके, 15 से 20 मिनट लगते हैं गाइस। पहले तो अभी तो थोड़ा काम कम है, नहीं तो पहले जो गाड़ी लोड करते थे 7 मिनट में 8 मिनट में, आज से 2010-11 की बात है, 11 की बात है, तब की बात बता रहा हूँ, 7 मिनट 8 मिनट में गाड़ी लोड करते थे,
अभी तो 10-15 मिनट लगा देते हैं काम करने में। देख सकते हो आप कैसे माल आता है इधर से, यहाँ से आ रहा है। देख सकते हो आप भैया कितने आराम से बैठे हुए हैं ऊपर, कितने आराम से गाड़ी लोड होती है। फाइनली हमारी गाड़ी हो गई लोड, अब निकालेंगे इसको आगे और दूसरी गाड़ी लगाएंगे जहाँ पे। चलो कर आगे गाड़ी दूसरी लगाते हैं यहाँ पे, ये निकालो आगे। गाइस ये लगा रहे हैं गाड़ी हम दूसरी, सीधी कर सीधी कर, चल 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 आवे, चल 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 बहुत बहुत बहुत। ये हमारे भाई साहब जो गाड़ी लोड करते हैं, गाड़ी के बाद होगा हमारी गाड़ी लोड, ये वाली लोड होगी तो फिर यहाँ पे इस गाड़ी में लोडिंग करेंगे। तो हो गया हमारा दूसरा गाड़ी लोड, दूसरी गाड़ी लोड हो गया, थोड़ा दाम रह गया अभी। आराम से गाड़ी लोड कर रहे हैं ये, दिन भर में कम से कम 200-250 गाड़ी लोड करते हैं गाइस ये, दो बंदे ही लोड बंद कर दिया अभी। गाइस कांटा करवाने लगे हैं हम, कांटे पे चढ़ाएंगे अभी, देखते हैं कितना वेट आता। अभी पहली बार चली गई है वो, दूसरी वाली ले लैंड चलेगी बाहर टाटा की है। जी अंदर फैक्ट्री का कांटा है, कलंकर का उसी साइड में होता है जहाँ पे कलंकर लोड होता है, वहीं पे कांटा भी होता है उसका। बस ठीक है ठीक है, उसका कलंकर जैसे लोड होता है ना, वो कांटे के पूरी कलंकर लोड होता है उसका, कलंकर जो है ऊपर से आता है तो सीधा गाड़ी के अंदर घुसता है, तो वो भी दिखाएंगे आपको जब कलंकर लोड करेंगे। ये पूरी मार्केट है, ये इनका दफ्तर है जहाँ से पर्ची वगैरह मिलेगी, टोकन वगैरह मिलता है गाड़ी लोडिंग का। गाइज आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, जो मेघालय में पेंटिंग पेंटिंग बहुत अच्छी करते हैं वो दिखाता हूँ आपको, कितनी बढ़िया पेंटिंग वगैरह करते हैं यहाँ पे। ये देख सकते हो कितना बढ़िया ट्राला बनाया हुआ इसके ऊपर, ये देख सकते हो आप, ये
कलर के साथ बनाया हुआ है, कोई ये स्टिकर वगैरह नहीं है, कलर के साथ बनाया हुआ है। बहुत बढ़िया कलर करते हैं यहाँ पे। आज माल कम निकला और अभी ये पर्ची दी है भैया ने हमें, 210 किलो कम निकला, समझो 4 बैग और डलेंगे गाड़ी में। तो फिर अभी हम गाड़ी घुमा रहे हैं, यहाँ से घुमाएंगे गाड़ी, वापस लेके जाएंगे वहाँ पे, चलाते आते कट के। ये टाटा की गाड़ी है हमारी, KFC कश्मीर फ्लाइट कैरियर। चल 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 आंदे 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 चल आई चल 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 आंदे चल चल इतने करा दे इतने इतने करानी गड्डी आंदे चल 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 आंदे मेरे को आंदे गड्डी चल 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 आंदे 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 चल 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 बस कर ला सीधी अगे हूँ कट ला पूरी पैर ते कट ला थे ला ला के कट ला गड्डी पूरी कट ला चल 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 इस साइड तू आंदे पीछे करके ना आंदे पीछे चल आंदे पीछे चल 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 गाइस 4 गुत्थियाँ कम हो गई थी तो उसी के लिए फिर वापस आना पड़ा हमें, नहीं तो हम निकल जाते गाड़ी लोड करके। कांटे पे 210 किलो वेट कम आया, तो अभी ये गाड़ियाँ लगी हैं, इनमें से एक निकलेगी तो फिर हमारे वाली लगेगी। देखो दूसरी वाली तो भेज दी हमने बाहर, वो लोड करके पहले चली गई थी ले लैंड, टाटा की खड़ी है यहाँ पे, इसी का नंबर है, लोड करके निकलेगी वो। देखो जब बाहर जाते हैं फिर बाल वगैरह करना है वो करके फिर आगे पंप पे तेल वगैरह डलवाएंगे, तो सुबह ही समझो निकलेंगे जहाँ से, क्या पता बिल्टी मिलती है कि नहीं मिलती, चलान बिल्टी वो मिल जाएगी तो अभी निकल जाएंगे, आगे पंप पे तेल वगैरह डलाएंगे, वहाँ पे खड़े हो जाएंगे, अगर नहीं मिली तो समझो सुबह सुबह मिलेगी, फिर सुबह लेंगे तो फिर जाएंगे। ओके गाइस गाइस तेल डलवा रहे थे, तेल डलवाया इसमें, डला हमारा 21,330 रुपये का, 250 लीटर लगा लो आप इसमें डला है, दोनों देखते हैं अभी कौन सी बकरी में ज़्यादा बार, हाँ डाल लो अभी इसमें देखते हैं कितना डलता है। गुवाहाटी से दोनों टंकियाँ फुल की थी, इस गाड़ी की भी अब पता लगेगा एवरेज का कितनी एवरेज देती है। गाइस टाटा की गाड़ी में डला तेल हमारा 22,500 का, 263 लीटर पड़ा है, सिर्फ 12-13 लीटर का फ़र्क पड़ा, ज़्यादा नहीं 12-13 लीटर इसने कम खाया, लेकिन यह गाड़ी आगे भी गई थी, करीमगंज गई थी, तो इसीलिए ये थोड़ा 10-12 लीटर ज़्यादा खा गई। ओके गाइस